सबलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आईसीटी में देखेंगे बाइनरी कन्वर्जन, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। बाइनरी टू हेक्सा जो है वो कैसे चेंज करते हैं, उससे पहले हम जरा ये देख लें कि बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं। बाइनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, बाकी जितने भी टाइप हैं वो कोई भी नंबर्स अल्फा न्यूमेरिक नहीं होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कहने का मतलब ये है कि ये 9 नंबर तक तो ठीक चलते हैं, जैसा कि जो नंबर्स होते हैं उसके बाद लेटर्स शुरू हो जाते हैं और उनका नंबर कुछ इस तरीके से हमें मिलाना पड़ता है। ठीक, खास तौर से ये भी देखना है कि ये 0 से लेके 15 तक होते हैं, इसलिए इनका जो टोटल होता है वो 16 होता है, और 16 इनका टोटल है इसलिए इस नंबर का जो बेस होता है वो भी 16 का होता है। और जब हम इसको चेंजिंग करते हैं किसी में तो जो बाइनरी नंबर्स लिखे होते हैं उनका हम ग्रुप बनाते हैं, लगभग 4 नंबर को ग्रुप बनाते हैं। तो हमेशा हेक्साडेसिमल 4 नंबर के जो बाइनरी हैं उनको लेके चलना पड़ता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जो हमारी सीरीज है वो क्या थी। एक बार जरा फिर से वहां पे चलते हैं और ये देख लीजिए, मैं जो बताना चाह रहा था मेन चीज कि 0 से 9 तक जो है वो होगा नंबर, और उसके बाद जो 10 से लेके 15 है उनके मान अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दे के देख लीजिए, यहाँ पे आपको फिर से आना पड़ेगा हो सकता है बीच में। तो ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 लेटर हैं जो कि 10 से लेके 15 तक जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सब जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही है। तो आइए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम एक बाइनरी नंबर देख रहे हैं 1001 और 1101। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है जिसका बेस 2 है और हमें जो निकालना है वो है बेस 16। तो जो नंबर है उसको हम नोट कर लेते हैं 1001 और 1101। मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं आपको फिर से सही कर दूं कि जो भी हम ग्रुप बनाएंगे वो पीछे से बनाएंगे, मतलब इस साइड से बनाएंगे। तो जो 4 नंबर का ग्रुप बनाना है तो 4 नंबर ये रहे और 4 नंबर ये रहे। ठीक, नंबर्स मैंने लिख लिए थे लेकिन जो ग्रुप बनाना है वो पीछे से ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। अब बाय द वे 8 ही नंबर की बाइनरी थी तो हमारे ग्रुप तो 4-4 में बट गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम आगे देखेंगे अगर 8 नंबर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो फिलहाल यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि अब इन नंबर को जो हम, जैसा कि ऑक्टल वाले आप वीडियो में देखे थे वैसे इसमें भी थोड़ा जोड़ दीजिए कि 4 नंबर जो सीरीज आपकी है ना, जो हमेशा मैं सीरीज से ही बता रहा हूँ आपको, तो सीरीज में क्या है 4 नंबर को लेके चलना है 1248। अब 1248 आप जैसे ये पहली वाली बाइनरी जो है इसके नीचे लिख दीजिए 1248। अब ऊपर वाले नंबर से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा, 1 का 1 से 1 ही रहेगा, 2 का 0 से हो जाएगा, फिर 1 का 4 से हो जाएगा और फिर 1 का 8 से हो जाएगा। इनके बीच में हम प्लस लगा देंगे, अगले नंबर पे चलेंगे तो 1248 ऐसे फिर से लिख देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 1 की जगह 1 हो जाएगा, 2 की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी हम प्लस लगा देंगे और ये हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ लेंगे कि आखिर आया कितना। ठीक है, कितना आया पहले वाले में 8 प्लस 1 जो है वो हो जाएगा 9। दूसरा वाला कितना है 8 4 12 एंड 1 13 यानी कि 13। आपको मैंने बताया था हेक्साडेसिमल 9 नंबर तक तो 9 तक जो है वो नंबर्स में ही होंगे, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं लेटर्स में हो जाते हैं। तो 13 जो है किस लेटर के बराबर में आ रहा है, यहाँ ही पे भी हम देख लेते हैं 10 11 12 13। ठीक, तो हम देखेंगे 10 11 12 13 के बाद क्या आ रहा है। 10 से शुरुआत होती है ए बी सी डी, यानी कि 13 जो है वो डी के बराबर है। ठीक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 9 एंड डी। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और 16 का बेस लगा दीजिए, आपका तैयार हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 101 1110। ओके, इसको हमें चेंज करना है किसमें,
हेक्साडेसिमल में। तो उसको हम निकालते हैं और पीछे से लिखते हैं 0 1 1 1, ये चार का ग्रुप हो गया। अब क्या बचा, 1 0 1, तो यहाँ पे 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको राइट हैंड से ला रहे हैं तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये ग्रुप हो गया। अब वही हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, सॉरी माफ कीजिएगा, फ्लो फ्लो में हो गया, 1 2 4 8, यहां भी 1 2 4 8, 1 2 4 8 करते हैं तो क्या होगा, 0 2 4 8, यहां पे 1 0 4 0, यहां पे आ जाएगा 5, और यहां पे आ जाएगा 8 12 12 2 14, यहां आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 5 5। तो लिखेंगे पहले हम 14 का मान देख लेते हैं कितना, तो 14 क्या, 13 किस पे आ रहा था, D पे आ रहा था, 13 जो है D पे आ रहा था, 14 किस पे आएगा, E पे आएगा, जाहिर सी बात है। तो जो 14 है ये E के बराबर है, तो 5E आपका ये हो गया आंसर। तो 5E आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो जाता है। ओके, और तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेटर में लिखना ही हो, जब आपका 10 9 के ऊपर चला जाएगा तभी आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है 1 1 0 1, ये आपका एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको हमने हमें डेसिमल में बदल सॉरी हेक्सा में बदलना है, तो क्या करेंगे, पीछे से लिख लेंगे 1 0 0 1, ये ग्रुप बन गया, यहाँ पे एक ही बचा, तो 0 0 0 चार बार लिख लेंगे, और हम क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 1 2 4 8, और नीचे क्या लिखेंगे इसके, 1 0 0 9 8 1, और ये तो तीनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, तो आपका आंसर जो आया वो यहाँ पर क्या आया, 1 9, और इसका बेस क्या आएगा, 16, ठीक। तो ये भी एक टाइप पे क्या है, बेस अगर लिखा हुआ है तो मतलब बेस से पहचानेंगे किसी भी अंक को। तो 1 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तो अल्फा न्यूमेरिक कोई वर्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको हटा दो इससे, नहीं, 1 9 का बेस 16 है, तो मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, तो ये था हेक्सा। अब हम हेक्सा 2 बाइनरी में चलते हैं कि हेक्सा नंबर दिया हुआ है। अगर आपने ऑक्टल वाला वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलिए पहला जो हमारा एक मैं उसी को रिपीट करता हूँ, 9D आया था, आपको याद होगा पहला मैंने आपको बताया इसमें, तो उस 9D का बेस था 16, और अब हमें निकालना है बाइनरी नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, 9 यहाँ लिखिए, D यहाँ लिखिए, और यहाँ पे खींच दीजिए, और ये देखिए कि 9 किस बाइनरी पे आ सकता है। तो वही हमारे चार जो हैं ये याद रखिएगा, इसमें चार होते हैं, चार के ग्रुप बनते हैं। तो अब आप बताइए इन चारों में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको आपस में जोड़ के 9 लाया जा सकता है। आई थिंक 8 एंड 1, बीच में क्या हो जाएगा, 0 0, तो मतलब 1 0 0 1, अगर इस तरीके से हम लिखें तो उसका मतलब हो जाएगा 9, तो 1 0 0 1। ओके, डी कैसे लिखेंगे, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है 13, जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से होगा 13, तो 13 कितने को जोड़ें, तो 8 4 12 12 1 13, तो मतलब 1 1 0 1, अगर ये नंबर हम लिखेंगे तो टोटल हो जाएगा 13, तो 1 1 0 1। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 1 1 0 1 1 1 0 1, और आपकी आ गई ये बाइनरी, सो सिंपल। ओके, चलिए और एग्जांपल लेते हैं, वही जो हमने लगाया था सवाल, मैं सोच रहा हूँ उसी को फिर से बता दूँ आपको कैसे। ये था 5E, इसका बेस हो गया 16, और इसकी हमें निकालनी है बाइनरी। यहाँ पे लिख लीजिए 5, यहाँ पे लिख लीजिए E 5। अगर ये चार आपको दिए हुए हैं तो 5 कैसे आएगा, 5 आएगा चार के ग्रुप में, 4 और 1 को जोड़ने पर, तो आप लिखिएगा 0 1 0 1, मतलब 0 1 0 1, ठीक। ऐसे ही E कितना होता है, E का मान कितना है, E का मान होता है 14, तो 14 कैसे आएगा, 8 4 12
12 मतलब 1 1 1, और ये तो पूरा हो गया तो 1 1 0, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 1 1 0। ठीक, तो आपका हो गया 5e, तो इसको हम लिख लेंगे 0 1 0 1 1 1 1 0, ये आपका हो गया। और इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लगा हुआ है तो आप इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं 1 0 1 1 1 1। जीरो, इसको इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ गया, सॉरी बाइनरी नंबर आ गया। तो इस तरीके से डेसिमल टू हेक्सा, और सॉरी बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी हम चेंज कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से।